Yes, students, let's talk about trapeze. Trapeze is the movement of plant in which direction of movement is guided by the direction of external stimulus causing the movement. इसमें क्या होता है, ट्रॉपीज में जो प्लांट की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है उसके एक्सटर्नली इफेक्ट पर, जो एक्सटर्नली इफेक्ट उस पर पड़ता है उससे उसकी मूवमेंट डिपेंड करती है. जैसे आप देखते हैं प्लांट क्या करता है, सनलाइट में सन की तरफ मूव करता है ना. नीचे कोई झुका हुआ प्लांट है और अगर सनलाइट है तो वो उधर मूव करता है, वो उसका मूवमेंट है ना. रूट्स होती हैं, रूट्स क्या हैं, वो नीचे ज़मीन की तरफ, अंदर की तरफ, नीचे ज़मीन में अंदर की तरफ मूव करती हैं, तो वो उसका क्या है, मूवमेंट है. ओके, तो ऐसे ही मूवमेंट की हम बात करते हैं. ट्रॉपीज को समझ लीजिए, ट्रॉपीज डायरेक्शनल, डायरेक्शनल मतलब जिधर उसको डायरेक्शन मिलेगी. जैसे आप सपोज करें पानी, कोई नदी है पास में है ना, उस रिवर के आसपास जितने भी प्लांट्स होंगे उन सब की जो रूट्स होगी ना वो उसी डायरेक्शन में जाएगी, नदी वाली में. उनकी रूट्स आपको सीधे नहीं मिलेंगी, वो उस डायरेक्शन में जाएंगी जिधर पानी का सोर्स होगा. तो जिधर पानी का सोर्स होगा उधर की तरफ हो जाएंगी, वो उनका डायरेक्शन हो गया. कुछ जो है सीधी होती हैं नीचे की तरफ है ना, तो वो उनका डायरेक्शन हो गया. ओके, तो उसकी हम बात करें डायरेक्शनल. तो ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म जो है हमारा कैसा है, डायरेक्शनल मूवमेंट है. टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज के टाइप की हम बात करते हैं. पहला फोटोट्रॉपीज, लाइट, जो मैंने आपको अभी बताया. इसमें क्या होता है, प्लांट है, प्लांट सन की तरफ मूव करता है. ओके, तो आप अपने एनसीईआरटी की आपकी बुक है उस बुक में आप इसको देखेंगे, और जितने भी ट्रॉपीज मैं आपको ये मैं बता रही हूँ ये आपके लिए होमवर्क है बेटा. ये सभी ट्रॉपीज का डायग्राम और प्लस इनसे रिलेटेड एक एक नोट्स, जैसे मैंने आपको बताया फोटोट्रॉपीज लाइट. ओके, लाइट के प्रेजेंस में होता है, एक लाइन आप लिख सकते हैं ना, द फोटोट्रॉपीज इज रिलेटेड टू द लाइट. और सनलाइट है, सनलाइट पे क्या होता है आप वैसे भी देख सकते हैं, पॉट है, फ्लावर है, फ्लावर क्या करता है, अगर नीचे झुका हुआ फ्लावर है ऐसे तो सनलाइट के डायरेक्शन में ऊपर उठ जाता है. ओके, तो इसे हम कहेंगे फोटोट्रॉपीज. हाइड्रोट्रॉपीज, हाइड्रोट्रॉपीज आपको भी एग्जांपल बताया मैंने कौन सा, वाटर वाला, जिधर वाटर की डायरेक्शन होगी उधर की तरफ रूट्स मूव कर जाएंगी. आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे वहाँ हाइड्रोट्रॉपीज में आपको दिखाया हुआ होगा एक पॉट, और वो बेटा मेरे पास बुक्स नहीं है. ओके, एक्चुअली बुक्स नहीं है, अदरवाइज मैं आपको वो पिक्स सेंड कर देती, तो आपको वो पिक्स अपने बुक से मेंशन करनी है. ये आपके लिए होमवर्क है सभी ट्रॉपीज का. ओके, यू मस्ट बी ड्रॉ द ऑल डायग्राम्स विच रिलेटेड टू द ऑल ट्रॉपीज एंड दियर नोट्स. ये आपको दो दो लाइन के नोट्स आपको इनसे रिलेटेड लिखने हैं, कर लेंगे बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, नाइन्थ में पढ़ाया आपको. फोटोट्रॉपीज रिलेटेड टू लाइट, हाइड्रोट्रॉपीज रिलेटेड टू वाटर, एक एक लाइन ऐसे ही लिखना है साथ में है ना, एक दो आप बुक में से कर सकते हैं कुछ कर लीजिएगा. जियोट्रॉपीज ग्रेविटी, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, कुछ रूट्स बिल्कुल सीधी होती है नीचे की तरफ. ओके, तो वो हमारा एग्जाम्पल होती है ग्रेविटी का. कीमोट्रॉपीज, कीमोट्रॉपीज मतलब हार्मोनल, हार्मोनल प्लांट्स हैव सम टाइप ऑफ हार्मोनल्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोसिन एक्सेट्रा. ओके, थिग्मोट्रॉपीज टच या टेम्परेचर, ठीक है, जो हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो उस वो जो मूवमेंट प्लांट में उस टाइम होता है उसे हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपीज. स्टूडेंट्स रिमेंबर यू मस्ट बी ड्रॉ द ऑल डायग्राम विच आर रिलेटेड टू ऑल टाइप ऑफ ट्रॉपीज, फोटोट्रॉपीज, हाइड्रोट्रॉपीज, जियोट्रॉपीज, कीमोट्रॉपीज एंड थिग्मोट्रॉपीज. ओके बेटा, नेक्स्ट सेकेंड वन इज नेस्टिक मूवमेंट. नेस्टिक मूवमेंट टच मी नॉट एक प्लांट होता है, उसको टच करो तो वो नीचे की तरफ उसकी लीव झुक जाती है, तो वो डायरेक्शनल नहीं है ना. ऐसा नहीं है कि जिधर से हमने हाथ लगाया था उस पर ये नेस्ट है और हमने इसको यहाँ से छुआ तो वो हमारे हाथ की तरफ झुक जाएगी, नहीं, वो अपने एक ही डायरेक्शन में झुकेगी, नीचे ही की तरफ मूव करेगी वो, है ना. ऐसा नहीं है कि आपने उसे इधर साइड से या इधर साइड से छुआ तो वो उधर की तरफ मूव करेगी, नहीं. नेस्टिक मूवमेंट कि आपने उसे टच किया और टच मी नॉट की जो लीव है वो बंद हो जाती है. जिनके पास घर में प्लांट है वो जानते होंगे उस बात को. इन दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट गाइडिंग बाय द मूवमेंट ऑफ स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मतलब बाहर से जो कुछ भी किया गया है उस पर, उस मूवमेंट पर, नेस्टिक मूवमेंट पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. मूवमेंट अपनी मर्जी से होता है लेकिन क्या करता है वो रिस्पॉन्स देता है. आपने व्हेन यू टच द प्लांट ऑफ टच मी नॉट,
तो लीव्स आर क्लोज्ड बट डायरेक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, किधर से छुआ गया है, कैसे छुआ गया है, बस छू लिया उसको और वो मूव हो जाती है. एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट. ओके, मेजर प्लांट हॉर्मोन्स ऑल्सो कॉल्ड प्लांट रेगुलेटर्स, दीज आर ऑफ फाइव टाइप्स. इनको कहते हैं प्लांट रेगुलेटर्स. प्लांट्स के अंदर अभी हम बात कर रहे थे ना हॉर्मोन्स, तो प्लांट्स के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, लेकिन वो हॉर्मोन्स क्या करते हैं, वो हॉर्मोन्स प्लांट्स में हमारे ग्रोथ का काम करते हैं, लीव्स को अच्छा करने का काम करते हैं कि वो पीली ना हो, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं. ओके बेटा, तो ये हमारा टॉपिक है मेजर प्लांट हार्मोन्स, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डिस्कस विद मी. ओके, एंड डू योर नोट्स प्रॉपरली विद योर होमवर्क. गुड लक, ऑल द बेस्ट.